चैन मिलेगा मुझे बिना जवाब जाने में भी? ये तुम जानती हो मैं नहीं मानता ये रस्में रीतियां। फिर क्यों कर रही हो ये सब? जवाब दो, किसके लिए कर रही हो? तुम्हारे लिए। जब तुम लंदन से आए थे क्या कहा था तुमने? कि तुम्हें देश बदलना है, तुम्हें मेरा साथ चाहिए। तो वही तो कर रही हूँ मैं। बौंदिता से विवाह करके बहुत गलत प्रथा से बचा कर लाए हो तुम उसे। मैं उसका साथ दे रही हूँ। किसके लिए? ताकि तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो, इसलिए। देश बदलना तुम्हारा फितूर है, मेरा फितूर तुम हो। नहीं जानते? इसीलिए चला तो है मगर दिखाऊंगी नहीं। अपना दर्द दिखाकर तुम्हारे मकसद को हारने दूंगी मैं। इतना ही जाना है तुमने मुझे? होने के बहाने रुमाल ले जाया करती थी पर लौटाती नहीं थी। जान दे दू तुम्हारे लिए, लेकिन ये आंसू नहीं, ये सिर्फ मेरे। और अगर इतनी ही चिंता है तुम्हें अपनी रुमाल की, तो फिर रुलाते क्यों हो? मिनी, मिनी, मिनी। वैसे मैं और मेरी गाय का बछड़ा अब वैसे ही ख्याल रखते हैं एक दूसरे का, जैसे मैं ख्याल रखती थी अपने बछड़े का। आपको इनका छूना बुरा लगा क्या परी दीदी? भागने का मन किया क्या? नहीं ना, तो ये छूना तो अच्छा हुआ ना। सही भूल जाना मैंने। चलो परी दीदी, भोग का प्रसाद लेकर चलते हैं। ससुर जी पूजा के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं कुछ भूल तो नहीं गई? माफ कीजिएगा, भूल गई। माँ ने कहा
वाक्य, भगवान का भोग तुलसी के बिना पूरा नहीं होता। बहू, हाथ आगे करो अपना। सुना नहीं? लगता है फिर त्रिलोचन काका से डांट खाने का मुहूर्त है बंधुता का। जोर से पड़ेगी चढ़िया। हाथ आगे करो अपना। दोनों कड़ची नहीं चलाई तुमने। क्या लगता है रसोई घर में पांव नहीं धरते तो खाना पकाने का ज्ञान नहीं हमें? हाथ देखकर बता सकते हैं कि अगर कड़ची घुमाई होती तो हाथ में लालिमा होती आग के सेक की, उंगलियों में घी की चमक होती। बिना उंगलियां जलाए हलवे को प्रसाद का स्थान मिलता है क्या? इसने बादाम कतरे, शक्कर पीसी और ऊपर से इलायची भी बिखेरी काका शोती। बहाने बनाने की जगह अगर भोग बनाया होता तो ज्यादा बेहतर नहीं होता? खैर बहू, भोग के चारों तरफ औलपना बनाओ। हमने रॉय चौधरी परिवार की बहू से कहा दीजिए मुझे काका ससुर। अरे काका क्या हुआ, आंखों में आंसू? ठीक से नहीं बने तो मदद कर दूं? काका ठीक है ना? ये आंसू बरसों बाद बहू के हाथ से भोग लगा है प्रभु को और अल्पना बनी है, ये आंसू थमेंगे क्या आंख में? अनिरुद्ध, तुम और बहू भगवान के आगे जोड़े का दिया जलाओ। ये मुझसे नहीं हो पाएगा काका। अनिरुद्ध, पिता का सम्मान देते हो हमें तो प्रभु के आगे एक दिया जला दो ना। क्या मुश्किल, एक दिया ही तो जलाना है। नहीं समझ लो कि बौंदिता के रूप में एक रोशनी लेके आए हो तुम इस घर में?
या इस बात से इनकार है तुम्हें? अनिरुद्ध, जितने लंबे समय तक ये दिया चलेगा, या और बाती की तरह उतने लंबे समय तक अनिरुद्ध और बहू का रिश्ता रहेगा। क्योंकि मैं चाहती हूँ इस घर में सिर्फ मेरा सम्मान रहे। अब क्या करूँ, यही मेरा असली रूप है। अगर मेरा कहा ना माना तो रह पाओगी इस घर में? मेरे पिताजी का दिया हुआ घर है ये। और मुंशी जी को किसने लगाया था चाकरी पर? रॉय चौधरियों के यहाँ? मेरे पिताजी ने। ये सब क्या है बहू? और ये क्या है ऐसी माला? ये तो आधे तोले से भी कम लगती है। और ये क्या है? ये सिर्फ दो ही कुर्ते हैं, रेशम के कुर्ते नहीं मिले? और ये कैसी साड़ियां हैं? कितने फीके रंग है? हाँ, लगा था दहेज से पूरा घर भर जाएगा, चोरों से सामान छुपा कर रखना पड़ेगा, इसीलिए चिटकनी लगाई थी। लेकिन क्या फायदा, अब खोल देती हूँ दरवाजा, वरना चोरों को सच में लगेगा कि नई बहू खूब सारा दहेज लेकर आई है और हमने छुपा रखा है। और बकरियां बाहर बांधा है क्या? अरे बहू, कहाँ है बकरियां? क्या आते ही तुमने उनको चरने भेज दिया? खूटा तो खाली पड़ा है। अरे विराज बहन, गुस्से में आकर बहू को चींटी मत काट लेना। हाँ, बोल कहाँ है दहेज की 5 बकरियां? अगर क्षमता नहीं थी दहेज देने की तो विवाह क्यों कराया तेरे माँ बाबा ने? अरे क्या कर रही हो? ये दर्द अपनी माँ को नहीं दिखाया? हाँ जी, वो मैंने माँ से बात की थी, उन्होंने कहा दहेज की 5 बकरियां 1 महीने में दे देगी। तो तू वापस क्यों आ गई? रुक जाती वहीं 1 महीने तक, 5 में से 1 बकरी भी नहीं भेजी उन्होंने। बस दिन में 4 बार अपनी बेटी को भेज दिया खाना खाने के लिए यहाँ। जी वो माँ बाबा दे देंगे दहेज पूरा,
कहा है उन्होंने? आप विराज बहन, अब क्या बहू के कहे पे भी भरोसा नहीं है तुम्हें? नहीं है। कैसे होगा भरोसा? पहले का दहेज पूरा किया क्या? नहीं ना, उल्टा खाली हाथ भेज दिया बेटी को भीख मंगो की तरह। अब माँ बाप की गलती की सजा हम बेटी को क्यों दे? हाँ दूल्हा, बहू अब तुम जाओ आराम करो। हाँ गलती से खिसका दिया क्या? पकड़ो, हटो। क्या हुआ? चाकू चोट लगी है क्या? जब तक दहेज की 5 बकरियां नहीं मिलेगी तब तक इसी तरह मिमियाती रहेगी पूरे घर में बकरी की तरह। चुप करो, दिख नहीं रहा चोट लगी है? बेटा रोते नहीं, बेटा ठीक हो जाएगा। हाँ मुझे माफ कर दे बहू, मैं लाचार हूं। अनिरुद्ध रॉय चौधरी की पत्नी वंदिता, बता दीजिए ने पति बाबू कि मुझसे ही हुआ आपका विवाह। आप ही हैं मेरे पति बाबू। हमने रॉय चौधरी परिवार की बहू से कहा, यही समझ लो कि भौंदिता के रूप में एक रोशनी लेके आए हो तुम इस घर में। गलत कहा त्रिलोचन काका आपने, उन दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है, और अगर होगा तो उससे भी ऐसे ही दूर कर दूंगी जैसे इस दिए को किया। अनिरुद्ध अगर किसी का था है और होगा तो वो सिर्फ मीरा होगा। सिर्फ हमारा ही है वो रिश्ता जो इस दिए की ज्योति जितना जलेगा। चाहे इस दिए की जगह मुझे ही क्यों ना जलना पड़े।
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.